हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे RRBPO मेंस को लेकर मिल रहे थे कि सर, जैसे आपने RRBPO प्रीलिम्स के बारे में बताया है, वैसे ही आप मेंस की स्ट्रेटजी भी शेयर कीजिए। तो जो भी लोग इस साल RRBPO का मेंस क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में RRBPO मेंस को क्लियर किया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी RRBPO मेंस क्लियर नहीं हुआ था, मेरा जो नंबर है वो कट ऑफ से 5 नंबर कम था। यानी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ 90 गई थी एंड मेरे 85 नंबर थे। बट मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर मैं उस टाइम 5 नंबर ज़्यादा पा भी लेता, यानी सपोज़ करो मैं 90-91 लाता, तो मेरा मेंस एग्जामिनेशन तो क्लियर हो जाता, बट मुझे इंटरव्यू और फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया जाता। यानी इंटरव्यू मैं थोड़ा अच्छा करता, देन उसके बाद भी मैं फाइनल मेरिट में नहीं आ पाता। क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि RRBPO मेंस में आपको कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ मिनिमम 10 नंबर ज़्यादा लाना है। यानी अगर 90 कट ऑफ गया है तो कम से कम आप 100 पाओ, तब जाके कहीं आप इंटरव्यू एवरेज से बढ़िया देते हो तो आपका फाइनल मेरिट बनने का चांस है। तो ये आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से कि आपको कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ कम से कम 10-12 नंबर ज़्यादा भी पाने हैं। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे अप्रॉक्स 13 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से। तो हम आज उसी स्ट्रेटजी को शेयर करने वाले हैं कि आप कैसे क्लियर कर सकते हो RRBPO मेंस को। सबसे पहले हम RRBPO के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में RRBPO का सिलेबस होता क्या क्या है। देखिए, आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला मैथ्स, देन रीजनिंग, देन GA, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, एंड लास्ट वन कंप्यूटर। तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैथ से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, इसी तरह रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, GA से आपका 40 क्वेश्चन आता है 40 नंबर का, देन हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, दोनों सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, एंड देन कंप्यूटर आता है आपका 40 क्वेश्चन आता है 20 मार्क का। तो ये टोटल आपके 200 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, और आपको कंपोजिट 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है, यानी कि 120 मिनट में। अब इस 2 घंटे में आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे और किस सब्जेक्ट्स को लास्ट अटेम्प्ट करोगे, किस सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर टाइम देना है और किस सब्जेक्ट्स को आप कम समय में भी टैकल कर सकते हो। ये पूरा पूरा आपका डिसीजन होता है। खैर, आज हम इस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं कि हमको इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, प्रिपरेशन बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2 कैटेगरी के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठने वाले होंगे, यानी प्रीलिम्स उनका नहीं क्लियर हुआ है, एंड सेकेंड कैटेगरी के ऐसे लोग जो कि 1-2 बार प्रीलिम्स क्लियर कर लिए होंगे बट मेंस उनका नहीं क्लियर हो रहा है। तो इस विषय में हम बात करेंगे कि आपकी मेंस में गलती क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, जितनी शिद्दत और जितनी मेहनत से वो प्रीलिम्स के लिए साल भर तैयारी करते हैं, अगर उसका आधा भी वो मेंस के लिए प्रिपरेशन करते पूरे साल भर में, तो आज आप कहीं ऑफिसर बनकर, RRB ऑफिसर बनकर बैठे होते। बट प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले हमारे माइंड में फर्स्ट स्टेप होता है कि हम प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस तो हम क्लियर कर ही लेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर का एक कॉन्फिडेंस कह लो या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, हम यही समझते हैं कि हम प्रीलिम्स क्लियर कर लें देन उसके बाद मेंस क्लियर कर लेंगे, और यहीं पर गलती हो जाती है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रीलिम्स से कहीं गुना ज़्यादा टफ मेंस का एग्जामिनेशन होता है। बहुत सारे लोग ये कहते फिरते हैं कि मेंस तो चुटकियों में निकल जाता है, पहले प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस तो आराम से निकल जाता है। ऐसे लोगों से आप दूर रहा करिए, क्योंकि वो लोग अपनी एक स्ट्रॉबेरी दुनिया में जीते हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस है। उनकी एक अलग सी स्ट्रॉबेरी दुनिया है जिसमें उन्होंने ये समेट रखा हुआ है कि हम प्रीलिम्स क्लियर कर लें, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू तो हम चुटकियों में क्लियर कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्री से कहीं ज़्यादा खतरनाक आपका मेंस होता है। अब आप समझेंगे कि मेंस को कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं GA को उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट क्वेरीज आती है कि सर, जनरल अवेयरनेस कैसे तैयार करें। और इसमें सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन कि सर, कितने मंथ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा हमको करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, अगर आप मेरी एडवाइस मान के चलेंगे तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स का करंट अफेयर तैयार करके चलना चाहिए। आप चाहें तो 3 मंथ्स का भी तैयार करके जाते हैं, बट वो पूरा पूरा आपके ऊपर होगा।
क्योंकि अगर आपने 3 मंथ का प्रिपरेशन करके गए और अगर 4th और 5th मंथ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए तो आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है। इसलिए समझने की ज़रूरत है, आप एडवांस लेकर चलिए, आप 6th मंथ का करंट अफेयर्स तैयार करके चलिए, क्योंकि अगर आप रिसेंट के ट्रेंड को देखेंगे तो 4th और 5th मंथ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको तैयार करने चाहिए। अब बात ये आती है कि सर हम करंट अफेयर कैसे तैयार करेंगे। देखिए, अगर मैं अभी एग्ज़ाम डेट्स की बात करूँ तो आपका अगस्त में प्रीलिम्स होने वाला है, ठीक है, और सितंबर और अक्टूबर में इन्होंने मेंस की डेट दे रखी है, यानी इन्होंने कहा है कि हम सितंबर में भी मेंस करा सकते हैं और अक्टूबर में भी मेंस करा सकते हैं। अब अगर सिचुएशन लॉकडाउन और कोरोना की थोड़ी ठीक रही तो जहां तक मुझे लगता है कि लास्ट ऑफ सितंबर यानी 20 to 25 सितंबर तक आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो अभी आपके पास आधा जून बीत चुका है, जुलाई और अगस्त टोटल 2 मंथ्स हैं, और अगर 15 दिन आप सितंबर के जोड़ लो तो अप्रॉक्स आपके पास मान के चलो तो 2.5 मंथ्स हैं आपके पास, यानी कम से कम आपके पास अभी आराम से 70-75 दिन हैं। और अगर इन 70 to 75 डेज में आप अपने आप को इसमें डेडिकेट कर देते हो तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। कैसे करना है समझिएगा। अभी करंट अफेयर्स के लिए पहली बात तो आपको डेली बेसिस पर पढ़ना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आज 18 जून है या 19 जून है तो डेली बेसिस पर तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। साथ ही साथ अभी आप फरवरी से लेकर जून तक के जितने भी पीडीएफ्स हैं, मंथली पीडीएफ्स हैं, उनको या तो डाउनलोड कर लो या तो उनका जेरोक्स करवा के अपने पास रख लो। पीडीएफ्स आपको कई सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अड्डा है, अफेयर्स क्लाउड है, ग्रेडअप है, ऑलिव बोर्ड का भी एक आता है बोल्ट, उसको भी आप पढ़ सकते हो, गाइडली का भी आता है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें से किसी एक प्लेटफॉर्म्स को आपको फॉलो करना है और उनकी जो मंथली पीडीएफ है चाहे उसको मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उससे पढ़िए। अगर मोबाइल से आप पढ़ने में सहज नहीं महसूस करते हैं तो आप उसके जेरोक्स करवा लीजिए, ठीक है, जेरोक्स करवा के रखिए और मंथली प्रिपेयर करते जाइए, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं वो ये कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप उनसे पीछे ना हो तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा हम कैसे करेंगे तो जिस टाइम आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है उस टाइम कोई वो चीज़ करना शुरू कर चुका है, और जब आप दोनों मिलेंगे तो आप उससे कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह हार जाएंगे। तो समझने की कोशिश करिएगा कि मंथली पीडीएफ आपको ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि टॉप 200 और टॉप 300 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स के द्वारा, जैसे अड्डा प्लेटफॉर्म के भी टीचर हैं, स्टडी आईक्यू के टीचर्स हैं, क्रैक एग्ज़ाम के टीचर्स हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम के हैं, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑली बोर्ड भी सॉल्व कराता है। तो ये सब जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं ये मंथली टॉप 200 और टॉप 300 क्वेश्चंस आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले आपको मंथली पीडीएफ पढ़ लेना है, उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो आपको टॉप 200 टॉप 300 ये सुन लेना है यूट्यूब के किसी टीचर से, और देन आपको क्विज भी सॉल्व करने हैं। क्विज भी इन सभी प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएंगे, अफेयर्स क्लाउड हो गया, अड्डा हो गया, ग्रेडअप हो गया, इन सब से आपको क्विज सॉल्व करना है, मंथली क्विज सॉल्व करना है। स्मार्ट क्रीड़ा में भी आपको क्विजेस मिल जाएंगे। अगर स्मार्ट क्रीड़ा की मैं बात करूं तो लगभग उसमें 100-100 सेट के 9 सेट्स रहते हैं एक मंथ के, तो अप्रॉक्स 900 क्विजेस अगर आप पढ़ के सुन के और फिर सॉल्व करके जाते हो तो आपको लगता है कि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। एक बार आपने खुद से पीडीएफ पढ़ा, देन आपने किसी टीचर को सुना मल्टीपल टाइम, उसके बाद आपने खुद क्विज लगाया, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक मंथ का करंट अफेयर तैयार कर लिया। ये जीए तैयार करने की बात है। बहुत सारे लोग बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछते हैं कि क्या सर बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस से 2016 और 2015 में बहुत ज़्यादा सवाल उठते थे, यानी अगर 40 क्वेश्चन में से मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से आते थे। बट अभी क्या है, अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है, अभी 20 to 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ जाते हैं, 5-7 आपके बैंकिंग अवेयरनेस के आ जाते हैं, और 3-4 आपके स्टैटिक्स के अगर आने हो तो आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर में स्टैटिक्स के कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे। तो अगर मैं बात करूं कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, तो अगर आपने किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है तो वहाँ पर आपका नोट्स होगा, उसको पढ़िए। अदरवाइज आपके पास नोट्स नहीं है, आपने बैंकिंग अवेयरनेस की पढ़ाई नहीं की है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात को ध्यान से समझिएगा, अभी जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर के बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करते हो और उसमें आरबीआई से रिलेटेड, किसी बैंक से रिलेटेड,
इस तरह की कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको सेपरेट आप कहीं नोट डाउन करो और उसी को पढ़ो, वही बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन बनकर। जैसे RBI ने कोई भी टर्म लॉन्च किया, RBI हर दूसरे तीसरे मंथ अपनी पॉलिसी लॉन्च करता है और फिर कोई भी नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके शॉर्टकट, उसके फुल फॉर्म, उसके बारे में पूरा डिटेल, कुछ थोड़े बहुत सेक्शन होते हैं। अगर RBI ने किसी बैंक पर कोई फाइन लगा दिया है या किसी बैंक को बंद करना है, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर लीजिए तो आपका बैंकिंग अवेयरनेस तैयार हो जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि बैंकिंग अवेयरनेस के सारे चैप्टर्स की लेक्चर्स मैं शुरू करूं अगर मेरे पास टाइम हुआ तो, क्योंकि अभी क्या है मेरा भी बिजी शेड्यूल होता है, मैं वीकेंड पर घर आता हूं तो आपके लिए वीडियो शूट करता हूं, तो उस हिसाब से टाइम नहीं मिलता है और बैंकिंग में टाइम ज़्यादा लग जाते हैं आपको। अगर मैं ऑफिस की बात करूं, इवनिंग में 5-6 बज जाते हैं तो उस हिसाब से फिर मुझे लेट हो जाता है, तो मैं ट्राई करूंगा। खैर अब मैं बात करूंगा स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कैपिटल करेंसी, CM गवर्नर, कुछ सिटीज़ जो किस रिवर्स के नियर सिचुएटेड हैं, वो सब, ये सब कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो आप स्टैटिक्स में नंबर गेन कर लोगे। तो ये हुआ आपका GA का। GA के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा, सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा। फिलहाल ये पूरा कंबाइंड स्ट्रेटजी है तो हम थोड़ा शॉर्टकट में इन सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कि सर हिंदी अटेम्प्ट करें या इंग्लिश अटेम्प्ट करें। अगर आप प्रॉपर शुरू से हिंदी मीडियम से पढ़ते आए हैं तो नो डाउट आपको हिंदी अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश आपकी कितनी भी अच्छी हो आप हिंदी के लिए जाइएगा। बट अगर आप CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड या आप ऐसे किसी बोर्ड से पढ़कर आए हैं जिसमें आप शुरू से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करते आए हैं, और अभी क्या है अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको इंग्लिश टफ लग रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है और आपने शुरू से पढ़ाई की है इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि शुरू से आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है, बट आप जब बैंकिंग में इंग्लिश अटेंड करते हो तो वहाँ भी आप अच्छे नंबर नहीं पाते हो। मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, तो अब आप क्या करें। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि जितनी टफ RRBPO में इंग्लिश आती है उतनी ही टफ हिंदी भी आती है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हिंदी में क्या पूछ लेगा, हिंदी तो इतना टफ नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे फील कर सकते हैं जो कि RRBPO मेंस को दिए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक RRBPO मेंस दिया नहीं है, जो पहली बार सुन रहे हैं और जिन्होंने हिंदी नहीं अटेम्प्ट किया है, वो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल को समझ ही नहीं सकते हैं कि हिंदी किस लेवल का आता है। हिंदी पिछले 2 साल से संस्कृत से मेल खाते हुए आ रही है, यानी हिंदी का जो लेवल है वो बढ़ाया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी में कम नंबर लाओगे, मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप टैकल कैसे कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में आप को क्या चूज़ करना है ये पूरा पूरा आपके ऊपर है। अगर इंग्लिश में आप मेंस में 10-15 नंबर ही ला पा रहे हो, मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और अगर आपको लग रहा है कि यार 10-15 नंबर ही इंग्लिश में मेरे आ रहे हैं तो गो फॉर हिंदी, ठीक है। ये आपके ऊपर डिसाइड है। और ये आप कैसे तय करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका किस सेक्शन पर ज़्यादा पकड़ है। हिंदी के लिए मैं आपको बता दूँ, हिंदी के लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बैंकिंग लेवल की हिंदी है वो सिमिलर टू इंग्लिश आती है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, रीडिंग कॉम्प्रहेंसन, रीअरेंजमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो ही हिंदी में आते हैं। पर्यायवाची, समानार्थी और अनेकार्थी, ये सब बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अभी जो लूसेंट हिंदी की बुक है या फिर आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उससे अगर आप पढ़ते हो तो वो अदर एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है, ग्रुप सी की भर्तियों के लिए, बट बैंकिंग के लिए मुझे वो कारगर साबित नहीं लगता है, क्योंकि मैंने उसको एक बार पूरा पूरा पढ़ा हुआ है और मुझे उससे कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला। फ़ायदा मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से देखने को मिला, वो है क्विज। मैं हिंदी के जो मॉक टेस्ट के 40 क्वेश्चन लगाता था मेंस के, वो मैं अलग लगाता था, और देन डेली बेसिस में मैं 40 क्वेश्चन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से हिंदी के अटेम्प्ट करता था। ये बात अलग है कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था कि आपको हिंदी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म्स आपको हिंदी के मॉक प्रोवाइड कराते हैं ये थोड़ा ईजी लेवल का प्रोवाइड कराते हैं, बट अगर आप डेली बेसिस पर 80 क्वेश्चंस हिंदी के अटेम्प्ट कर रहे हो, क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यानी आपको क्या करना है, अभी आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपको हर दिन कम से कम 40 क्वेश्चंस
आपको हिंदी के क्विज के अटेम्प्ट करने हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंग्लिश के लिए सेपरेट वीडियो डाल रखी है SBI मेंस के लिए। सेम अगर आप RRPO मेंस के लिए काम करते हो तो आपको वो फॉलो करनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए। तो हिंदी का डाउट क्लियर हो गया। अलग से पढ़ने की किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको हर डेली क्विज लगाना है। अगर आप इतना करते हो तो 2-3 महीने में आप इतने ज़्यादा हैबिचुएट हो जाओगे हिंदी के सिलेबस से और हिंदी के क्वेश्चन से कि आपको हिंदी में किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, और कितना भी टफ हिंदी दे देगा आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद हम बात करेंगे, GA की बात कर ली हमने, इंग्लिश और हिंदी की बात कर ली, हाँ अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में भी बहुत सारे लोग काफ़ी डाउट में रहते हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग का तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रहता है या उन्होंने कंप्यूटर के कुछ कोर्स लिए होते हैं, पढ़े होते हैं, तो उनके लिए इजी होता है। बट जो लोग कंप्यूटर उतना फोकस्ड होकर नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए कंप्यूटर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता दूँ, 2 बुक आती है, एक अरिहंत की और एक परीक्षा मंथन की। दोनों बुक आपको परचेस करनी है, या दोनों बुक में से पहली एक करो और उसको कम से कम 2-3 टाइम्स मल्टीपल पढ़ो। दोनों बुक अभी मेरे टेबल पर रखी नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर के लिए एक सेपरेट बताऊंगा, उसमें पूरे टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। फिलहाल 2 बुक आती है, अरिहंत की और परीक्षा मंथन की। जल्दी ही दोनों बुक आपको मैं लाकर दिखा दूंगा, उन दोनों को परचेस करिए और उनको 2-3 बार मल्टीपल टाइम पढ़िए। उसके बाद जैसे आपने हिंदी के डेली 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी आपको डेली 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 40 क्वेश्चंस मतलब 40 क्वेश्चंस। तो अगर आप इन 2-3 मंथ्स में क्विजेस सॉल्व करते चलते हो तो आपके हिंदी और कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आराम से प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। अगर आपको लगता है, देखिए कंप्यूटर में तो आप बुक्स से प्रिपेयर कर सकते हो और क्विज लगाकर प्रिपेयर कर सकते हो, अब इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं, कोई आप एक ऐसी बुक बता दीजिए जिसमें ऐसी अमृतवाणी लिखी हो जो कि सीधे हमारे एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसा कोई जादू मंत्र हमको बता दीजिए कि हम 10 दिन में प्रिपेयर हो जाएं, तो ऐसा कोई भी जादू मंत्र नहीं है। इसके लिए यही तरीका है कि वो 2 बुक आप पढ़िए मल्टीपल टाइम्स और डेली क्विज लगाइए। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदी की पूरी बुक पढ़ी थी और कंप्यूटर की पूरी बुक पढ़ी थी, और मैंने कोई भी क्विज सॉल्व नहीं किया था। मैं बुक पूरा पढ़ के मुझे ऐसे अंदर से पूरा मैं भर गया था कि मैं अब इतना ज़्यादा ज्ञानवान हो चुका हूं कि हिंदी कंप्यूटर में मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करूंगा और बहुत ज़्यादा नंबर लाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाया, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत कम नंबर लाया, बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि मैंने इतना टाइम दिया अपनी पढ़ाई पर, मैंने इतना हिंदी और कंप्यूटर की पूरी बुक को पढ़ा, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, 4-5 बार पढ़ा, और फिर भी मेरे हिंदी में 22-24 नंबर आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में और कंप्यूटर में 12-13 नंबर आए थे, तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था कि इतना मेहनत करने के बाद मुझे सिलेक्शन नहीं मिला और कम नंबर मिला। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेहनत करना अलग बात है और राइट डायरेक्शन में मेहनत करना अलग बात है, तो मैंने बुक से ज़्यादा क्विजेस प्रिफर करना शुरू किया। नेक्स्ट ईयर में जिस साल मैंने अटेम्प्ट में क्लियर किया, सेकंड अटेम्प्ट में, उस साल मैंने बुक पढ़ने के साथ साथ डेली बेसिस पर इनके क्विज अटेम्प्ट करना शुरू किया। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर के आपको ऐसे क्वेश्चंस PO में देखेंगे जिन क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने इस क्वेश्चंस को कभी पढ़ा है, बट जो ऑप्शंस होते हैं वो आप ऑप्शंस को पढ़ोगे और क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में आप राइट आंसर लगा के आओगे अगर आप लगातार 2-3 महीने से क्विज दे रहे हो। तो ये एक टेक्निक है, ये अगर टेक्निक आप फॉलो करते हो तो ये टेक्निक काम करती है कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, बट आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आता है कि भाई ये नहीं, डी हो ही नहीं सकता, सी से कोई रिलेशन ही नहीं है, ए और बी में डाउट है बट ए का जो डेफिनेशन है वो कुछ और है, बी कहीं रिलेट कर रहा है और बी इज़ द राइट आंसर। और ये वर्क करती है, और ये तब वर्क करती है जब आप क्विजेस ज़्यादा सॉल्व करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना, अगर वर्क करेगी तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं आपको एक रियल स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहा हूँ और अगर आप उसको फॉलो करके आपको फ़ायदा मिल रहा है तो मुझे इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो हिंदी, इंग्लिश, GA और कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया। बात करेंगे अब मैथ्स और रीजनिंग की, जहाँ पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है, क्योंकि देखिए PO लेवल में आप रीजनिंग के अगर 15-20 क्वेश्चन करके आ गए तो बहुत अच्छा है, और मैथ्स के भी अगर आप 15 क्वेश्चन करके आ गए तो बहुत अच्छा है।
क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है भाई साहब, वो थोड़ा उसका एक अलग स्टैंडर्ड होता है और उसको सॉल्व करने का एक अलग मज़ा होता है, वो जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उस स्टैंडर्ड के लिए आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। उसको आप कैसे बढ़ाएंगे? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो साल भर जितनी शिद्दत से प्रिलिम्स के लिए लगे होते हैं, अगर उसका आधा भी वो मेंस के लिए लगते तो आज वो कहीं ना कहीं आरआरबी ऑफिसर या आरआरबी क्लर्कियर में बैठे होते और आज वो ज्वाइन कर चुके होते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम यह होती है कि प्रीलिम्स देने के बाद वो वेट करते हैं कि मेरा रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन तक वो मेंस के लिए फ़ाइट करते हैं और फाइट से बाहर हो जाते हैं। फाइट करने में भी जब आपके पास बहुत कम टाइम दिया हो और आपको युद्ध लड़ने जाना हो, तो आप पहली बात तो समझ ही नहीं पाते हो कि आपको करना क्या है, और आप सिर्फ और सिर्फ तलवार उठाने पर प्रैक्टिस करने लग जाते हो जबकि आपको तलवार चलाने की प्रैक्टिस सीखनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि 15-20 दिन आप सिर्फ जीए हिंदी कंप्यूटर प्रिपेयर करने लगते हो क्योंकि ये रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं, और उस चक्कर में आपका मैथ्स रीजनिंग छूट जाता है। तो अभी सवाल ये है कि कैसे मैथ्स रीजनिंग करें? सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण तरीका है मेंस को क्लियर करने का कि जितना आपने प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दिया है उतना या उसका आधा कम से कम आप पीओ का मॉक टेस्ट दें। अगर मैं अभी से बात करूं तो आपको प्रॉपर अभी से हर तीसरे दिन या चौथे दिन पीओ का मॉक टेस्ट, अभी से मेंस का मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मेंस की बात कर रहा हूं कि हर तीसरे से चौथे दिन अभी आपको पीओ मेंस का एक मॉक टेस्ट 2.5 घंटा पूरा बैठ कर के अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि उस 2 घंटे के बीच में कोई बुला रहा है या किसी का कॉल आ रहा है या आप चाय पी रहे हो और सॉल्व कर रहे हो, ये नहीं। पूरा सीरियस होकर आपको उस 2 घंटे सिट करना है और उस 2 घंटे को अनुभव लेना है, उस 2 घंटे के टफनेस का अनुभव लेना है, उस 2 घंटे के हार्डनेस का अनुभव लेना है, और उस दौर से गुजरना है कि आप अभी टफेस्ट सिचुएशन में बैठ के अभी आपको पसीने छूट जाएंगे, अभी आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। बट अगर अभी आप 2 घंटे बैठने से भागोगे तो सपोज करो कि आप सुबह सुबह वहाँ 2 घंटे कैसे बैठ पाओगे? और मैं यहाँ आपसे कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि जब भी मेंस का मॉक टेस्ट दो तो सुबह दो, सुबह 7-8 बजे बैठ के दो, क्योंकि जब आपका मेंस का मॉक टेस्ट होगा और अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में मेंस का पेपर पड़ता है तो आपको सुबह सुबह ही देना पड़ेगा, और सुबह सुबह बहुत टफ होता है क्योंकि सेंटर्स आपके किसी और सिटी में रहते हैं। लखनऊ, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ के सेंटर्स अक्सर लखनऊ जाया करते थे, आपके यहाँ के भी जाते होंगे, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो मेन आपके सिटी में, तो हमारे जो है लखनऊ में सेंटर्स हुआ करते थे, और एक रात पहले हम जाते थे, एक शाम पहले हम जाते थे, और अगले दिन सुबह हम जो है सुबह सुबह पहुँचते थे सेंटर्स पे। तो आप काफ़ी अनकम्फर्टेबल उस टाइम रहते हो, ठीक है। आप अपने घर से पेपर देने जाओ प्रीलिम्स का, और आप किसी होटल में रात भर रुक के, किसी और सिटी में रुक के और सफ़र करके जाओ, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। आप काफ़ी अनकंफर्टेबल रहते हो सुबह सुबह, और अगर आपने इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को पहले से फेस नहीं किया हुआ है घर पे, तो वो आपके लिए काफ़ी नया होने वाला है और उसके आगे आप घुटने टेकने वाले हो, समझ में आ रहा है। तो अभी से उस हार्डनेस को और उस टफनेस को फील करना है, अभी से अपने ऊपर झेलना है। जब अभी से 2 घंटा बैठकर मेंस का मॉक टेस्ट दोगे और दिमाग चकराना शुरू हो जाएगा, तो उसी का तो असली मज़ा है, वही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट से। जैसे मॉक टेस्ट में रीजनिंग के पजल्स आए, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से पजल्स आपसे सॉल्व हो जाने वाले हैं और कौन से नहीं। देखो, सबसे पहले जितना आपने प्रैक्टिस किया है उस प्रैक्टिस को इस चीज़ में कन्वर्ट करना सीखो कि आपको क्या चीज़ अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे अगर इतना बड़ा पजल आ गया तो कभी कभार प्लस पॉइंट ये होता है कि जितना बड़ा पजल उतनी ज़्यादा डिटेल और उतना आसान पजल, और कभी कभार क्या होता है कि जितने छोटे पजल उतना कॉम्प्लिकेटेड पजल्स, क्योंकि उसमें कोई डिटेल ही नहीं दे रखी है। तो आपको ये रेक्टिफाई करना होगा कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है और आपकी वीकनेस कहाँ पर है। यानी कि आप सबसे पहले यहाँ पर घर पर जब मेंस का मॉक टेस्ट दोगे तो आप पजल्स को पढ़ो, 2 मिनट लगेगा, और थोड़ा अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करो, जल्दी से पढ़ो और ये डिसाइड कर लो कि क्या ये आपसे बैठ पाएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपसे बैठ पाएगा, सपोज करो आप 2-3 मिनट उस पजल्स पर इन्वेस्ट करते हो और आपको कोई क्लू नहीं लग रहा, यानी आपको अब पॉसिबिलिटी लगने लगे कि भैया ये हमसे नहीं बैठने वाला है, तो तुरंत वहाँ स्किप करो।
क्योंकि रीजनिंग और मैथ में वो बच्चा सिलेक्शन लेता है जो माइंड गेम खेलता है। देखिए, बैंक में सिलेक्शन लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा होशियार बनना पड़ेगा। बहुत सारे ज्ञानी और ज्ञानवान लोग आज भी वहीं बैठकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाए कि यहाँ पर आपको माइंड गेम खेलना है। यानी यहाँ पर आप नॉलेज के साथ साथ आपको क्विक टाइम में ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये सब क्यों किया जाता है, मैं आपको बता दूँ। आज हम ऑफिस में रहते हैं, कम से कम डेली बेसिस पर 700 से 800 कस्टमर आपके सामने आते हैं, और उसमें से कुछ कस्टमर्स काफ़ी बेहद सम्मान आपको देते हैं, कुछ कस्टमर का काम नहीं हुआ रहता है, वो काफ़ी आपसे रूड बिहेवियर करते हैं, कुछ आपसे क्विक आंसर मांगते हैं, कुछ की कोई प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको ये सिखाया इसीलिए जाता है कि उस सिचुएशन को आप झेल सको, क्योंकि आपको 10 बजे से बैठ के 5 बजे तक बैंक में बैठना है, और इतने सारे अलग अलग माइंड सेटअप के लोग आपसे आके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, और सबको आपको बहुत ही शांत दिमाग से टैकल करना होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें प्रिपेयर कराई जाती है, समझ में आ रहा है। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, कौन से पजल्स अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं, ये आपको सिखाएगा कौन, मॉक टेस्ट सिखाएगा, और आप खुद अपने आप को सिखाओगे, कोई टीचर नहीं सिखा पाएगा। मैं बात करूं मैथ्स में, तो मैथ्स में आपके कम से कम 5-6 DIs आते हैं 25 से 30 नंबर के, और बाकी कुछ अर्थमेटिक के आते हैं, और बाकी डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको अर्थमेटिक के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपसे बनने नहीं वाले हैं, और अगर बन भी गए 3-4 मिनट में तो वो एक नंबर ही दिलाएंगे। आपको ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपको कोई एक DI पे भले 4-5 मिनट लग जाए, 8 मिनट लग जाए, बट वो DI आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपको DI समझ में आ गई तो आप पूरा 5 या 4 नंबर वहाँ से गेन करने वाले हो। और जो भी 6 DI आएगी, 5 से 6 DI आएगी, उसमें से 3-3 क्वेश्चन ही लगाने लायक रहेंगे, इस बात को समझना। मेंस की जो DI आती है वो हाई लेवल की आती है, ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स पर आती है, प्रॉफिट लॉस पर आती है, परसेंटेज पर भी आती है, एज पर भी आती है, वर्क टाइम पर भी आती है, ट्रेन पर भी आती है। तो इसमें से 5 में से एक तो बहुत टफेस्ट होता है, ठीक है, और एक सेकंड टफेस्ट होता है, बाकी 3 क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं। मेंस में भी अगर आप समझें, वो लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं, बट इजी होते हैं। और जो 5th और 4th नंबर के क्वेश्चंस हैं, यानी फर्स्ट टफेस्ट और सेकंड टफेस्ट, वो थोड़े से लेंदी होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इन चीज़ों को आपको छोटी छोटी बातों को समझना है, और DI में से आपको हर DI में से 3-3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अगर RIBPO मेंस में आप 15+ मैथ्स में कर लेते हो और 20+ रीजनिंग में कर लेते हो, तो आपको आराम से बैठने की ज़रूरत है। और बाकी सब्जेक्ट्स अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, यानी GA, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका PO मेंस कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। मगर इस बात को समझेंगे कि रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। किसी एक प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट मत देना, जैसे सपोज करिए कि आप अड्डा के दे रहे हैं, टेस्ट बुक के दे रहे हैं, ऑली बोर्ड के दे रहे हैं, ग्रेड अप के दे रहे हैं, तो बदल बदल के थोड़ा एक दो प्लेटफॉर्म के आपको देने हैं। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट के बारे में भी पूछते हैं, तो इस बारे में भी मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट पर एक वीडियो मैंने शूट कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाइए मॉक टेस्ट के वीडियो को देखिए, और जो भी मॉक टेस्ट आपको रिलायबल लगे उसको जाकर आप परचेज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो रीजनिंग और मैथ सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पर बेस्ड होता है। मैंने भी ऐसे ही प्रिपरेशन की हुई है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दिया, बट हाँ, जितना मैंने प्रिलिम्स का दिया उतना मैंने मेंस का दिया, ये सच्चाई मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि प्रिलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मैंने मेंस का शुरू किया, नहीं भैया, मैंने कम से कम अगर प्रिलिम्स के 100 मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो मतलब एक नोटिफिकेशन आने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, अगर नोटिफिकेशन आने के बाद और प्रिलिम्स के एग्ज़ाम होने तक अगर मैंने प्रिलिम्स के 100 मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो कम से कम मैंने मेंस के भी 50 से 60 मॉक टेस्ट दिए होंगे। तो इस बात को अगर आप समझते हो और अगर आप फॉलो करते हो, तो आप कहीं ना कहीं RRB ऑफिसर बनने वाले हो, और इसके लिए मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, अच्छी लगी, और अगर ये वर्क करे, अगर आप इसको फॉलो करो और आपको वर्क करे, तो कमेंट करिएगा ज़रूर कि हाँ सर, आपने जो बताया हमने किया, हमने उसका फ़ायदा मिला, ताकि और लोग भी इसको देखें और वो समझ सकें। बाकी कोई क्वेरी हो कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट्स पर चाहिए, वो भी कमेंट करिए। जितने ज़्यादा लोगों की क्वेरी मुझे देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए नया वीडियो शूट करता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे अलविदा लेने का टाइम आ गया है, तो चलता हूँ, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।